खड़े हो जाइए। पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। जिंदगी को ढूंढते हुए।
कर सूरी जी है हम सबके तारण हार। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारण हार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु होते हैं, घर एक प्रथम पाठशाला होती है जहां से हम सभी सीखते जाते हैं। और आज यहाँ इस मंच में हम सभी को जो सिखाने वाले जो भी हमारे गुरु यहाँ आज उपस्थित नहीं हैं या उपस्थित हैं, उन सभी का भी इस मंच के माध्यम से सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तो गुरु का जो स्थान है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है। और जो हम सभी के जिंदगी में हमारे लिए भी जो कोई गुरु रहा होगा, हमारी कठिनाइयों, हमारी परेशानियों, हमारे जो अंधकार रूपी अज्ञान था उसको उन्होंने दूर किया। ठीक उसी तरह आप प्राइमरी स्कूल से, मिडिल से, हायर सेकेंडरी स्कूल से जो भी आप सीख रहे हैं, उन सभी गुरुओं का आज नमन करने का, आदर करने का दिवस है बच्चों। और उस सबसे भी आज हमारे इस दुनिया में आज जो 21वीं शताब्दी की बात करें तो पूरा डिजिटल इंडिया की बात करें तो गूगल महागुरु, हम सभी का महागुरु है, उसको भी हम लोग सब नमन करते हैं। उनके नकल के अनुसार उनको जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए, कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए अपने विद्यार्थी जीवन में, ताकि हम लोग कुछ जीवन में कर सकें। जो हमारे लड़के हैं वो जो हैं देशभक्त भगत सिंह, महात्मा गांधी, उनका जो है वो नकल कर सकते हैं, उनको रोल मॉडल मान सकते हैं अपने जीवन के लिए। जो लड़कियां हैं वो रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और मदर टेरेसा जैसी सेविका, उनको अपना रोल मॉडल मान सकती हैं। है कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। Thank you.
करोगे तो उसके लिए मेहनत जब करोगे तो मेहनत बहुत कम लगता है कि और मेहनत करूं तब उसको उस टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं ऐसा लगता है। तो मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी से आप लोग टारगेट फिक्स कीजिए और उसको अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। जैसे मेडिकल में जाना है, MBBS बनना है या इंजीनियरिंग में जाना है, IIT में जाना है या CA बनना है, कलेक्टर बनना है, IAS बनना है, तो उसको अभी से तैयारी करना है। दूसरी बात कि जो भी क्वेश्चन और आंसर आते हैं वो 6th class से 12th तक की उसी बुक उसी सिलेबस से ही आते हैं, कोई बाहर से नहीं आता। यदि दूसरी बात आप लोगों को ये भी देखना है कि कंपटीशन कितना है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया, रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया, संजय मुकेश ने भभूत मल जी का सपना सच है बनाया, गुरु है शीतल। दार्शनिक, भारत के महान विचारक और एक कुशल नेतृत्वकर्ता, एक राजनीतिक जिनका जन्म दिवस है श्री राधा कृष्णन जी का, एक शिक्षक होने के नाते इनके बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा प्रेम रहा है। इनका बर्थडे जो था ये स्वयं ना मनाकर अपने बच्चों के प्रति मनाने के लिए कहा था। ये हम सब जानते हैं कि जब इनका स्कूल के प्रति पढ़ाई जो था बहुत ही लगनपूर्ण था और ये बहुत मेहनत करते थे। बच्चों, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ये मेरी विचारधारा ही नहीं, ये सर्वमान्य विदित भी है और सत्य भी है। कर्म के बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि आप हमेशा वर्तमान को अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, वर्तमान में जो कुछ भी करना है हमेशा खुश रहेंगे, जो कुछ भी करें उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ कीजिएगा, तो हमेशा आपका जीवन कुशल और समृद्ध होगा। भारत माता की, वंदे वंदे। मैं इतना ही कर Hey!
वैसे तो गुरु शब्द अपने आप में बहुत ही गुरुता लिए हुए होता है, जिसकी व्याख्या करना हमारे वाणी के वश की बात नहीं है। आज यह शिक्षक दिवस का दिन जो मनाया जा रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, वे भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन भी रहे, लेकिन अपने जन्मदिन को उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए यदि चुना, तो अवश्य ही इसके पीछे संसार के समस्त पदों में शिक्षक का पद कुछ विशेष योगदान रखता है, जिसके लिए उन्होंने इस दिन को अपने जन्म दिवस मनाने के लिए चुना। चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी ये बोकड़िया, परिवार धन्य हुआ गुरुवर से नाता जुड़ा, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया उनका है आश। बच्चा जब हमारे पास आता है तो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, उसमें रंग भरने का काम हमारे शिक्षक ही करते हैं। तो विमल विचार डाल मानस को पुष्ट कर, मानवीय भावना का स्रोत खोल देते हैं। तीर सी होती खिया कि माखन सी बात मृदु, शिष्य के हितार्थ हर बात बोल देते हैं। अनिरस निरंग और शून्य भाव मानस में, निरस निरंग और शून्य भाव मानस में, नीति प्रीति वाली सूची सुधा घोल देते हैं। शिक्षक सा और कौन भाग्य का विधाता भला, शिष्य को जो ज्ञान धन बिना मोल देते हैं। शिक्षक सा और कौन भाग्य का विधाता भला, शिष्य को जो बिना मोल ज्ञान धन देते हैं। बस इतना ही कहो, मान का भावना रखेंगे और उनसे बहस नहीं करेंगे, चाहे गलती माँ बाप की ही क्यों ना हो, बहस नहीं करेंगे। दूसरी चीज, टीचर से भी बहस नहीं करेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे, केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन भर उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमको ज्ञान मिलता है। इसके अलावा पार्ट ऑफ लाइफ होता है जीवन में शादियाँ, शादियाँ जब हम करेंगे, बड़े हो जाएंगे, उस समय हम एक दूसरे का हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इतनी बातों को समझ में आ गई सबको, सभी ध्यान देंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम लोगों को सभी को अच्छी पढ़ाई करनी है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट जो मिलता है एजुकेशन फील्ड में ही मिल सकता है। दूसरा ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट मिले, इसलिए सभी को अपनी एजुकेशन अपनी पढ़ाई मन लगा के करनी है, ठीक है। और करने के लिए मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि पिता के संबंध में कहा गया है, जेब खाली हो पर पिता को मना करते हुए कभी नहीं देखा, इतना रिच इतना धनी अपने पिता से किसी को नहीं देखा। इतना करते हैं क्योंकि शिक्षा ही जीवन की पूंजी होती है। आप लोगों को पता होगा कि शिक्षक दिवस हम हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, और जब उन्होंने सन 1962 में हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया था, तो उनके कुछ शिष्य गुरुजनों और सगे संबंधी उनके पास गए और उनसे जन्म दिवस मनाने के लिए अनुमति चाहा, तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्म दिवस को अलग से मनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी उम्र हम मरमर के, Thank you.
ठीक। अच्छा मैंने तुम सबको होमवर्क दिया था ना, किसने कंप्लीट नहीं किया? सर ये तो पुराना हो गया है। ओ मैंने तुम सबको अकाउंट का प्रोजेक्ट दिया था ना, किसने कंप्लीट नहीं किया? आज लास्ट का डेट है। सर वो तो किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया, आप सबसे पूछ लो। यस सर, कर लिया। बुक लाना नहीं है, प्रैक्टिकल देना नहीं है, बस तुमको तो गेम्स खिला लो। स्टूडेंट टेक आउट योर बुक टुडे। स्टैंड अप, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? गेट आउट ऑफ माय क्लास, व्हाट इज मेंटल एंड स्टूडेंट? When air is polluted by any human activity or resources is called air pollution. यार ये भुक्कड़ों ने पूरा का पूरा टिफिन खाली कर दिया। इडियट। तुम समझ नहीं आता तुमको? अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनना। ए फॉरेस्टेशन हैज ए इन हिज फर्स्ट लेटर एंड डी फॉरेस्टेशन हैज डी इन हिज फर्स्ट लेटर। A forestation has 12 words and deforestation also has 12 words, but alag hai. A forestation is a forestation and deforestation is deforestation. Student. नेक्स्ट पीरियड तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, रेडी हो जाओ। देखो मैं सभी चीट बना के लाया हूँ, तू यहाँ बैठ जा, तू वहाँ बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, आज तो पूरी क्लास टॉप करेगी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, जय पबजी, जय पबजी। चलो बच्चों आज का एग्जाम। हाँ ठीक है बैठो, बड़े रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर पिंक कलर का पेपर दो ना। बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? सर ढक्कर उठा रहा था, आपको क्या लगा? ये क्या कर रहे हो बेटा?
सर मम्मी पापा ने सिखाया है कि पेपर से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए। यस यस। क्या हुआ बेटा? सर मुझे आंसर आ गया। वाह बेटा फिर लिखो। अरे यार सर भूल गई। क्या है ये? हाँ चल लिख ले। सर ये तो गलत है। आज तो फिजिक्स का पेपर है और ये फिजिकल एजुकेशन की चीट ले आया। अच्छा सर फिर ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर कब है? तू तो निकल क्लास से, पहली फुर्सत में निकल। When students go to coaching classes? वेलकम टू चिंग चुई कोचिंग क्लासेस। यहाँ सबकी दुविधाओं का समाधान होगा। मैम आई हैव अ डाउट। डाउट क्लियर। कोई और कोई डाउट है क्या? मैम बड़वानी का कैपिटल क्या है? गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। अच्छा चलो लिखो। बड़वानी का कैपिटल है बी। मैम कैसे? जो भी प्लेस होती है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर ही उसका कैपिटल होता है। पूछो सारे प्लेसेस के कैपिटल मैं ऐसे ही बता दूंगी। मैम अलीराजपुर। ए। पाटी। पी। मैम मंडवाड़ा। मैम व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्जाम? अच्छा अच्छा लिखो। एडवांटेजेस फर्स्ट एग्जाम इज गुड। वाह। सेकंड एग्जाम शोज दैट योर औकात। अरे हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं। एंड थर्ड एग्जाम के टाइम ही हम भगवान को याद करते हैं। अरे गजब एक्सीलेंट। डिसएडवांटेजेस फर्स्ट एग्जाम इज गुड बट नींद उड़ा देती है। सही है सही है। सेकंड एग्जाम के टाइम हम तो भगवान को याद करते हैं पर भगवान हमको नहीं याद करते। मैम एक पॉइंट मैं बताऊंगा। हाँ बताओ बताओ। यह सबको बोलने की छूट है। हम एग्जाम में पेपर में लिखते हैं। पेपर पेड़ से आता है। पेड़ काटने से ग्लोबल वार्मिंग होती है इसलिए पेड़ बचाओ एग्जाम हटाओ। चलो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अरे आज नहीं मैम कल से पढ़ लेंगे ना। यस मैम यस मैम। अरे मेरी बात तो। अरे नहीं नहीं आज छुट्टी आज छुट्टी। ठीक है छुट्टी जाओ यहाँ से। कल से तुम्हारी क्लास ही बंद। तुम्हें पढ़ना तो है नहीं। टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो नहीं। यू डोंट इवन नो हाउ टू बिहेव इन द क्लास। दिस इज द वर्स्ट बैच एवर। नहीं यार ये हमारी गलती है। चलो मैम को वापस लेकर आते हैं। बहुत परेशान करते हैं बट दे आर अवर सेकेंड पेरेंट्स। वो हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। हमारी गलती पर डांटते जरूर है पर अच्छे कामों पर प्यार भी देते हैं। वो खुद पर ध्यान न देकर हम पर ध्यान देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ बन पाए। एक स्टूडेंट का दिन 7 बजे शुरू होता है बट एक टीचर का दिन सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता है। सपना जहां दस्तक न दे। दोस्तों अगर एक टीचर चाहता तो डॉक्टर इंजीनियर सीए बन सकता था लेकिन आज उन्होंने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि हम कुछ बन सके। मेरे मोबाइल पे भी मैं देख रहा था बहुत सारे शिक्षक विद्यार्थी जो हमारे विद्यालय से पास आउट हो गए हैं वो भी हमें शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे थे। तो गुरु शिष्य का संबंध आप यहाँ पहली से 12वीं तक अध्ययन कर रहे हैं बस इतने दिन के लिए नहीं है आपका हमारा जो संबंध है पूरा आजीवन का संबंध होता है। और आप किसी भी स्तर पर पहुँच जाइए या हम किसी भी स्तर पर पहुंच जाएं गुरु का एक विशेष महत्व होता है और गुरु के कारण ही जीवन में हमारा सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास संभव हो पाता है।
इसलिए माता पिता के बाद भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तो माता पिता के बाद गुरु का, शिक्षक का स्थान होता है। और यह जो सम्मान का भाव है आप आजीवन बनाए रखें, एक दिन के लिए ही नहीं सदा दिन के लिए। पुनः आप सभी को इतने सुंदर आयोजन के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप गुरु का सम्मान वास्तव में तभी होता है जब आप अच्छे हों, आप अच्छे से पढ़ाई करें अपने जीवन में। ये जरूरी नहीं होता कि हर कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रतिभा होता है। आप में जो भी प्रतिभा है उसके द्वारा समाज का सेवा कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपना उद्बोधन देना चाहते थे और आप लोग भी सुनना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव, मौसम और यहाँ पे खेल का भी आयोजन होना है कुछ समय पश्चात, इसलिए संक्षेप में करते हुए पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। यश पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर, तो ज्ञान के सागर है।